बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको BSNL की 4G स्पीड के बारे में कुछ बताऊंगा, जिससे कि आपकी स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगी। अगर आपका 3G चलता है तो 4G चलने लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे देख सकते हैं सिक्योरिटी स्टेटस के नीचे है जो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, हम इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद देख लीजिए आप मेरे पास BSNL मोबाइल जो सिम कार्ड दिखा रहा है ऊपर वो है। हमको अपने BSNL मोबाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। तो आपको क्या करना है, एक्सेस पॉइंट नेम है जो हमको इसके ऊपर ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख लीजिए हमको यहाँ से एक बार इसको रिसेट कर लेना है। रिसेट करने के बाद भी अगर आपकी स्पीड सही नहीं चलती है तो आपको फिर एक न्यू सेटिंग करनी पड़ेगी, एक न्यू APN बनाना पड़ेगा। तो चलिए वो भी मैं आपको बना के बता देता हूँ। आप नेम देख लीजिए, नेम में आपको क्या करना है, नेम में आपको डालना है बी बढ़ाएगा, फिर सब छोटे आएंगे BSNL, फिर स्पेस देंगे इंटरनेट, हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, जो APN है तो हम उसको यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे BSNL नेट, BSNL नेट, इसमें कोई हम स्पेस नहीं देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। फिर आप देख सकते हैं यूजर नेम है जो, फिर हम यहाँ पे BSNL 4G जो आप ऊपर देख सकते हैं प्रॉक्सी, इसको हम यहाँ पे नोट सेट ही रखेंगे और पोर्ट को भी नोट सेट रखेंगे। फिर हमको नीचे आना है, नीचे आने के बाद जो सर्वर है सर्वर पे हम ओके करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, www.google.com, ठीक है। फिर हमको ये MMSC है जो MMS प्रॉक्सी है जो, हम इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, जो MSCC आप देख सकते हैं MNC है जो, ये हमका एरिया, ये हमारा एरिया कोड होता है, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अगर आप इसके साथ पंगा लेंगे, आप इसको छेड़ेंगे तो फिर आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम आएगी, क्या पता चले ही ना आपका इंटरनेट, तो इसलिए आपको इसको कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है अभी, जो ऑथेंटिकेशन टाइप है हम इस पर ओके करेंगे। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं PAP और CHAP, आप इस पर ओके कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका इंटरनेट नहीं चलता है तो आपको क्या करना है, जो नोन के नीचे है PAP सिंगल, तो आप इसको ओके कर सकते हो। मैं आपको सबसे पहले यही बोलूँगा PAP और CHAP करके देख लीजिए आप, ठीक है। फिर आप देख लीजिए जो APN प्रोटोकॉल है, तो फिर आप इस पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद अगर आपका IPv4 IPv6 है, फिर आपको दोनों को छोड़ देना, फिर आपको IPv6 और IPv6 दोनों पे ओके कर लेना है नीचे वाले पे, ये देख लीजिए। फिर जो मेन पार्ट है इस वीडियो का और इसका सेटिंग का, उसको आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उस पर लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम आएंगे बैरियर पे, आपको यहाँ पे अनस्पेसिफाइड है जो, इसको हटा देना है। फिर LTE, HSP, HSP, HSUPA, HSTPA, UMTS, EDG, GPRS, हमको यहाँ तक इस पर ओके कर देना है। और फिर हमको क्या करना है, जो नीचे मोर को ऑप्शन है, फिर हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। फिर हमको इसकी इसके ऊपर जाएंगे जो हमने VPN बनाया नया, इस पर ओके करके हम अपना इंटरनेट फास्ट चला सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है BSNL की सिम में तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं आपको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दूंगा नई वीडियो बना के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।